अपन देखेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट इज फास्टेस्ट, मतलब कि जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड होता है किसमें, हमारे नसों में, वो जो रूट होते हैं कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वो एडमिनिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, और कितने सेकंड में कितने मिनट में वो काम करते हैं, ठीक है, आज हम वो जानेंगे। फर्स्ट देखते हैं, अगर बात करते हैं इंट्रावेनस का, तो इंट्रावेनस मीन्स क्या होता है, नस, जो हमारे नस होते हैं जहाँ जहाँ भी नस है, तो वो नसों में हमारे क्या होता है, ड्रग जो है एडमिनिस्टर्ड होता है, मतलब ड्रग इंटर किया जाता है, और जो रूट होता है उसका फास्टेस्ट का जितना उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कितने सेकंड में काम करता है वो 30 से लेकर 60 सेकंड वो अपना इफेक्ट बॉडी में दिखा देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोओसियस, इंट्रोओसियस मतलब कि हमारा हड्डी, जो हड्डी ये देख रहे हैं, ये हड्डी के बीच में जो थोड़ा सा गैप होते हैं मूवेबल हो रहा है, तो वो गैप जो है ना, वो गैप के अंदर ड्रग जो है एडमिनिस्टर्ड होता है, वो कितने सेकंड तक काम करता है, तो कितने सेकंड में तुरंत काम कर देता है, 30 से 60 सेकंड में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनहेलेशन का, इनहेलेशन मतलब सांस, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, इनहेलेशन जो करते हैं, अस्थमा लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, जो कि जिसको कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है वो इनहेलर यूज करते हैं, तो वो कितने मिनट में काम करते हैं, 2 से लेकर 3 मिनट में वो अपने बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देता है, काम कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे सबलिंगुअल का, सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे, जो जीभ है इसके नीचे जो है वो ड्रग, जैसे कि बात करेंगे कोई एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन हम रखते हैं जीभ के नीचे, वो क्या होता है, मूव हो जाता है, मतलब कि वो ये हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है एंजाइना में काम करता है, ठीक है। ये कितने मिनट में मूव होता है, घुलता कितने मिनट में है, 3 से लेकर 5 मिनट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रा मस्कुलर का, जो कि मांस में दिया जाता है, यहाँ पे भी दे सकते हैं और रक्त में भी दिया जा सकता है, वहां पे भी देते हैं, तो वो मांस में दिया जाता है, वो 10 से 20 मिनट के अंदर वो आपके बॉडी में जो है इफेक्ट दिखा देगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस के, जो कि त्वचा का नीचे, त्वचा के नीचे यानी कि नस में नहीं, त्वचा का नीचे, उसमें दिया जाता है, इसका काम कितने मिनट में होता है, 15 से 30 मिनट में ये काम कर देता है। अब हम बात करेंगे इनगेशन का, इनगेशन मतलब अंतर्ग्रहण, मतलब कि जैसे कि लिमोसलेट पैरासिटामोल हो गया डक का नाम, अगर बुखार हुआ है तो खाते हैं, इसके बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद ही आपको कुछ राहत मिलता है, तो वो चीज हो गया कौन से, इंगेशन, इंगेशन वो 30 से लेकर 90 मिनट में आपके बॉडी के अंदर वो इफेक्टिव दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल मतलब कि टॉपिकल पे, टॉपिकल मतलब कि अगर आपको कट गया है या जल गया है, तो टॉपिकल पे कटता जलता है, तो जल गया तो उसमें क्या लगाइएगा, क्रीम लगाइए, तो जो क्रीम जो होता है उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडर्मल, जो कि ऊपर लगाया जाता है टॉपिकल पे, ठीक है। और वो कितने मिनट में हमारे काम करता है, वेरिएबल मिनट टू आवर, मतलब कि तुरंत नहीं काम करता, लेकिन वो एक घंटे के अंदर एक घंटे में काम करना स्टार्ट कर देता है, पहले तो वो टॉपिकल में लगाइएगा, फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के, एब्जॉर्ब होकर के वो अपने साइड पे जाएगा, फिर वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो वो कुछ टाइम लेता है। फिर अब हम बात करेंगे इंडोट्रेकियल का, यानी कि अंतर श्वसनलीय, ये कितने मिनट में काम करता है, 2 से 3 मिनट में ये काम कर देगा। अब हम बात करेंगे रेक्टल का, जो कि मलाशय के जो प्लेस है वहां से दिया जाता है, तो वो 5 से 30 मिनट के अंदर आपको इफेक्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ड्रग एडमिनिस्टर्ड का जो है रूट कितने फास्ट में दिया जाता है, कितने फास्ट में वो हमारे बॉडी को एक्शन प्रोड्यूस कर देगा, उसके बारे में है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, और ठीक है अपने फ्रेंड में, ठीक है, तब तक ले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।